प्रदेश बीजेपी मुख्यालय से बड़ी खबर है। कैलाश मेघवाल बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। दरअसल उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जेपी नड्डा को, जिसमें गंभीर आरोप लगाए थे गुलाब चंद कटारिया पर। उनको यहां तक कहा था कि वोट काटने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाई इलेक्शन अभी हुए थे, 3 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे। उस दौरान एक बयान दिया गया था गुलाब चंद कटारिया की तरफ से महाराणा प्रताप को लेकर, उसका भी जिक्र किया गया। देखते हैं मीडिया से क्या कुछ वो बात करते हैं। चलिए बेबाकी से अपनी बात कहने वाले शायद आज मीडिया के सामने कुछ नहीं कह रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में अंदर खाने क्या कुछ कहा जाएगा बताना मुश्किल, लेकिन सच्चाई है कि कल तक जो निंदा प्रस्ताव लाने की बात कर रहे थे, बीजेपी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं। विधानसभा का सत्र शुरू होना है और अब यह तस्वीर भी साफ कि निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा, लेकिन क्या इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई बीजेपी के अंदर होगी? क्योंकि सोचिए, एक तरफ पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं, वर्तमान विधायक हैं, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया, जिनके नेतृत्व में बीजेपी के तमाम विधायक विधानसभा में होते हैं। उन्हीं के ऊपर सवाल खड़ा किया गया है। अब इसको आप उदयपुर की राजनीति के साथ जोड़िए या फिर आपसी अदावत के तौर पर देखिए, लेकिन इस चिट्ठी का मीडिया में आना भी कई सवालों को जन्म देता है, क्योंकि एक बीजेपी के अंदर संगठन के अंदर एक चिट्ठी जेपी नड्डा को लिखी जाती है। जेपी नड्डा के एंड से क्या ये चिट्ठी लीक होगी, ये थोड़ा मुश्किल है। तो क्या इस चिट्ठी को जेपी नड्डा को भेजने के साथ साथ मीडिया में भी साझा कर दिया गया? मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, मेघवाल खुद आए हैं या उनको बुलाया गया? देखिए, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आला कमान से बातचीत की है अरुण सिंह ने, और अरुण सिंह ने जो आला कमान से इस पूरे प्रकरण को लेकर बातचीत की है। चूंकि स्वाभाविक तौर पर जेपी नड्डा को जब चिट्ठी भेजी है तो जेपी नड्डा ने अरुण सिंह को जिम्मेदारी भी दी होगी, क्योंकि निंदा प्रस्ताव लाए जाने की जो बात थी, निंदा प्रस्ताव लाए जाने की जो बात कही है कि वो लेकर आएंगे, ये अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है। तो ऐसे में उन्हें स्वाभाविक तौर पर तलब किया गया है, भले ही इसे बुलाया जाए माने या तलब किया जाए माने, लेकिन हालांकि वरिष्ठ नेता हैं तो वरिष्ठ नेता के लिहाज से उनसे फोन पर बातचीत की गई है। फोन पर बातचीत करने के बाद यहाँ बुलाया गया है और साथ में कालीचरण सराफ भी आए हैं, और अभी फिलहाल वो एक शब्द भी नहीं बोले हैं, और सीधे तौर पर एक मैसेज उन्होंने यही दिया है कि अब वो अंदर जाकर बातचीत करेंगे, अब बाहर जब वो आएंगे तो क्या कुछ कहते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐश्वर्या, वर्तमान स्थिति में बीजेपी ऑफिस में कौन कौन मौजूद है? देखिए विजेंद्र, फिलहाल अरुण सिंह जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, चंद्रशेखर है, तमाम पदाधिकारी हैं। पहले से एक बैठक चल रही थी, उस बैठक के दौरान अरुण सिंह अब उनसे अलग से कक्ष में मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और जो भी बात होगी उनसे पूछेंगे। और क्योंकि निंदा प्रस्ताव नहीं आए और उनकी जो कोई नाराजगी है उसे दूर किया जाए या उनका मैसेज आलाकमान तक पहुंचाया जाए और तमाम बातें सुनी जाए, उन्हें आखिरकार क्यों नाराजगी है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से, इस पूरे प्रकरण को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। और चूंकि गुलाब चंद कटारिया है वो बात पहले ही कर चुके हैं, उनकी पहले ही बातचीत हो चुकी है और वो इस पोजिशन पे भी है कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष है, कल विधायक दल की बैठक जो होगी उसकी वो अध्यक्षता भी करेंगे। विधायक दल का विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष है तो स्वाभाविक तौर पर वही बैठक लेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कैलाश मेघवाल भाजपा कार्यालय आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे और वो आ गए हैं, और अब आने के बाद अंदर क्या कुछ बात होती है ये भी हम थोड़ी देर बाद। ऐश्वर्या, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।